हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा सेशन है क्लास 12th हिंदी मीडियम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक धारा विद्युत। देखिए, हमारा धारा विद्युत का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यदि आपने अच्छे से देख लिया है तो आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं, धारा विद्युत करेंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा ये जो थर्ड पार्ट है, यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी का, धारा विद्युत का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग, दैट मींस विद्युत परिपथों का जाल। अभी तक हमने पढ़ा कि धारा क्या है, धारा को किस प्रकार से हम ओम्स लॉ ये सब पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने को पढ़ने से पहले, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि करंट एक्चुअल में अदिश राशि है कि सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत से स्टूडेंट को इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि धारा जो है वह अदिश राशि है या सदिश राशि है। अदिश सदिश आपको पता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो वह सदिश राशि होता है, और जिसमें केवल परिमाण हो वो क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब हम देखेंगे कि धारा इन दोनों में से क्या है। तो यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है, या यदि हमको फैक्ट पता भी होता है तो हमको उसका रीज़न नहीं पता होता है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाता हूँ कि यदि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट है तो आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में पढ़िए। बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए क्या चीज़ को पढ़ें। पहला रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए। कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आप आगे न्यूमेरिकल और बाकी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं आगे आपको किरचॉफ नियम पढ़ाऊँगा, उसमें चिन्ह परिपाटी बताऊँगा, तो वहाँ पर उसको आप न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन में आप कैसे अप्लाई करेंगे, इनके लिए सब जरूरी है। तो देखिए, कोई भी सर्किट जैसे अपन बनाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया, प्रतिरोध लगाया, और इसमें एक की लगा दिया, इसमें एक बैटरी लगा दिया। ऐसा सर्किट जब हम बनाते हैं तो सर्किट में ये हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये जो धनात्मक सिरा होता है, हम धनात्मक सिरा से धारा को इस प्रकार से एरो लगा के आई से प्रदर्शित करते हैं। और हमेशा हम पढ़ाते हैं या बुक्स में पढ़ते हैं कि धारा हमेशा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। दैट मीन्स इस बात को लेके हमारे दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन, एक गलत अवधारणा बैठ जाता है कि धारा क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसके प्रवाहित होने की दिशा फिक्स है। और इस तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमको बार बार बताया जा रहा है, हम यहाँ पर तीर का निशान भी लगा रहे हैं और तीर का निशान हम केवल सदिश राशियों में लगाते हैं। तो हमारे दिमाग में यहाँ पर एक गलत अवधारणा बैठ जाता है कि धारा सदिश राशि है, लेकिन ऐसा नहीं है। धारा सदिश राशि नहीं है, धारा क्या है, अदिश राशि है। तो अब आपके दिमाग में स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन आएगा कि सर, यह धारा दिशा तो प्रदर्शित करता है, फिर अदिश क्यों माना गया। तो अदिश मानने के पीछे उसका कारण है, देखो, किसी भी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, और वो है उसको सदिश योग के नियम का पालन करना पड़ेगा। सदिश योग का नियम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से एक, मान लो हम एक गति स्टार्ट किया, यहाँ से ए बिंदु से हम यहाँ बी में पहुँचे, और बी से पुनः हम क्या किए, सी में वापस आ गए, इस प्रकार से ए में वापस आ गए, सॉरी ना, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस आ गए। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है कि ए बी इस दिशा में धन, बी सी इधर प्लस सी ए, इसका मान क्या होता है, शून्य होता है, जिसे हम विस्थापन कहते हैं, शून्य होता है। ये सदिश योग का त्रिभुज नियम है। अब आप सपोज, आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि सपोज ये एक केबल है, तार है। अब इसको एक चालक तार सपोज कर लीजिए। अब मान लो हम यहाँ से धारा I प्रवाहित करते हैं। अब ये धारा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और जब पुनः A पर पहुँचेगा तो कुल धारा, मतलब यहाँ पर जो सिग्मा I होगा, सिग्मा मतलब योग, तो कुल धारा का मान शून्य नहीं हो सकता, नेवर कैन बी इक्वल टू जीरो, शून्य नहीं हो सकता। धारा का परिमाण वहाँ रहेगा,
इस तरह से क्या होता है, चूंकि धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि शून्य नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको सदिश राशि नहीं मानते। कभी यदि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाए कि धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है तथा क्यों, तो आप उसका सीधा सा जवाब दोगे कि धारा अदिश राशि है चूंकि सदिश होने के लिए उसे सदिश योग के नियम का पालन करना पड़ेगा और धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, अतः इसलिए क्या है वो अदिश राशि है। ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम जब किरचाफ का नियम पढ़ेंगे, किरचाफ का नियम आगे के पोर्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। किरचाफ का नियम आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत रिलैक्स मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। किरचाफ का नियम इलेक्ट्रिकल सर्किट का सब कुछ है। यदि एक स्टूडेंट को किरचाफ का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया, समझ में ना, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, किरचाफ का नियम चार लाइन का है, कोई भी रट्टा मार के एग्जाम में लिख सकता है, वो नहीं, वो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं बना पाएगा। मैं किरचाफ के नियम को समझने की बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से उस नियम को समझिए, इसके बेस पर बहुत से आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के न्यूमेरिकल्स बनेंगे। देखिए जिस प्रकार से हम इसके पहले पार्ट में ओम के नियम को पढ़े, ओम के नियम पर सब कुछ आधारित था, वैसे यहाँ पर सब कुछ आधारित होगा किरचाफ के नियम पर। तो हम स्टार्ट करते हैं किरचाफ का नियम। किरचाफ वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने विद्युत परिपथों का नेटवर्क बनाने के लिए, विद्युत परिपथों को का सर्किट बनाने के लिए रूल्स दिया। तो पहला रूल, इसके दो नियम हैं। सबसे पहला इसका जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम जिसे हम संधि के नियम से भी जानते हैं, संधि का नियम, प्रथम नियम को हम संधि का नियम कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ संधि का नियम, प्रथम नियम जिसको हम संधि के नियम से जानते हैं। इससे पहले कि हम नियम को समझें, हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में संधि या जंक्शन क्या होता है। जिस प्रकार से रेलवे का जंक्शन होता है, आपको मालूम है रेलवे जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर दो से अधिक दिशाओं में ट्रेन के आने और जाने का व्यवस्था हो, एग्जैक्ट वही जंक्शन यह भी है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जिसमें दो या अधिक दिशाओं में हम धारा को प्रवाहित कर पा रहे हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, जंक्शन या हिंदी में संधि। जैसे यहाँ पर देखिए कि सपोज ये कोई एक पॉइंट है ये, और यहाँ पर ये मैं बहुत से ये केबल लगा दिया, ये संधि है। इस संधि में सपोज ये धारा I1 संधि की ओर प्रवाहित हो रही है, देखो मैंने इसकी दिशा दिखाया यहाँ पर क्या, संधि की ओर ये। अब सपोज एक धारा ये है I2, इसको मैंने बता दिया संधि से बाहर। अब सपोज ये एक धारा है, ये सपोज संधि की ओर है, ये भी सपोज संधि की ओर है I4, और ये सपोज संधि से बाहर है I5। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ धारा क्या है, संधि की ओर है, ये संधि है, और कुछ संधि से बाहर है। तो किरचाफ ने बताया, पहले नियम में बताया, देखिए इस चित्र के माध्यम से आप इसके कथन को समझिए। किरचाफ ने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर, एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब यहाँ पर इनका सब का योग हम शून्य प्रदर्शित करें, लेकिन आगे नियम के साथ साथ उन्होंने बताया चिन्ह परिपाटी। नियम के बाद आप लिखेंगे चिन्ह परिपाटी, परिपाटी या कन्वेंशन। परिपाटी का मतलब क्या होता है, परिपाटी का मतलब होता है ऐसा रूल जिसको मानना हमारी बाध्यता होती है, उसका कोई रीजन नहीं होता कि भाई ऐसा क्यों होता है, लेकिन उन नियमों को माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने फिजिक्स में कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको सर्वसम्मति से स्वीकार किया, और उन सभी नियमों को हम क्या कहते हैं, परिपाटी कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी बनाया गया क्या,
कि जितनी विद्युत धाराएं संधि की ओर जाएंगी उनको धनात्मक लिया जाएगा। जैसे I1 देखो संधि की ओर है तो धनात्मक लेंगे, और जिन विद्युत धाराओं को हम संधि से बाहर लेंगे उनको क्या लिया जाएगा, ऋण लिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ धन ये ऋण होगा। ये अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ प्रथम नियम एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर आपको चिन्ह की परिपाटी, फिर उसको गणितीय रूप में लिखता हूँ। प्रथम नियम में किरचॉफ ने क्या बताया, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर आप चिन्ह परिपाटी में क्या लिखेंगे, जिन विद्युत धाराओं की दिशा संधि की ओर होती है उन्हें धनात्मक लेते हैं, तथा जिनकी दिशा संधि से बाहर होती है उन्हें ऋणात्मक लेते हैं। इस प्रकार से इसको गणितीय रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, I1 ये हो गया I1, इसके बाद I2 बाहर है तो इसको माइनस लिख देंगे, माइनस I2। फिर देखो I3 संधि की ओर है, I4 संधि की ओर है, ये हो गया I3 प्लस I4, और इसको देखें I5 को हमने क्या लिया, संधि से बाहर, तो माइनस क्या होएगा I5, और इसका क्या होगा, योग शून्य होगा। इस प्रकार से हम चिन्ह परिपाटी के साथ उसको लिखते हैं, जो धन है उसको धन, ऋण है उसको ऋण। तो इसको हम गणितीय रूप में ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। आगे हम इसको यदि थोड़ा सॉल्व कर लें, यदि इसके ऋणात्मक वैल्यू को दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दें तो क्या मिल जाएगा अपने को, I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल, ये उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा I5। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो संबंध हमको मिला इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, देखिए ये जितना वैल्यू है ये पूरा वैल्यू क्या है, संधि की ओर जाने वाली विद्युत धाराएं हैं, ये संधि की ओर जाने वाली हैं, और ये क्या है, संधि से बाहर जाने वाली धाराएं हैं। तो इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर संधि की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का योगफल संधि से बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कथन को आप याद रखिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का हम दोनों एक ही बात है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिए। क्या बताया मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए, किसी संधि पर संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योगफल संधि से बाहर जाने वाले धाराओं के योगफल के बराबर होते हैं, या इसी को यदि हम सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहें तो सिग्मा मतलब होता है योग, सिग्मा माना योग होता है, और सिग्मा I=2 क्या लिख सकते हैं, 0, मतलब सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम संधि के नियम से जानते हैं, क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। किरचॉफ के दोनों नियम के बेस पर ही पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग पढ़ा जाएगा, इसलिए आपको इस नियम को बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी है, और इसी के आधार पर आगे के टॉपिक बेस्ड हैं कंप्लीटली, इसलिए ये बेस है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट होंगे तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम लिखो, बहुत बार एग्जाम में आता है। सेकंड इसका रूल है किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, जिसे हम बंद जाल का नियम कहते हैं, बंद जाल का नियम, इसको हम बंद जाल का नियम कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड लॉ रूल या बंद जाल का नियम, क्लोज्ड मेस रूल। मेस मतलब होता है जाल। सबसे पहले मैं जाल का आपको अर्थ समझा दूं। देखिए पढ़ने का एक तरीका, आप मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे तो धीरे धीरे आप फिजिक्स में एक बात एडाप्ट कर रहे होंगे कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से समझना है तो पहला शर्त है कि उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, टर्मिनोलॉजी मतलब उसके टेक्निकल वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने प्रथम नियम को समझाने से पहले संधि के बारे में बताया, नियम नहीं बताया मैं, बना बस संधि क्या है। सपोज आपने नियम को रट लिया कि इसे ये कहते हैं, आपने रट लिया, लेकिन आपको उन शब्दों की मीनिंग नहीं पता, आपको संधि नहीं पता और आप रटे जा रहे हो। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सब्जेक्ट में कि हम टर्मिनोलॉजी पर फोकस नहीं होते, ये क्या है उसको नहीं समझते और उसको हम याद कर लेते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को ये ना पता हो कि भाई जाल किसे कहते हैं और इस नियम को रट लिया, वो कहाँ से उसको समझ पाएगा।
तो सबसे पहले हमको उसको समझना चाहिए, क्लियर। तो जाल का मतलब क्या होता है, देखो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेस, तो जाल मतलब नेटवर्क, मेस क्या होता है, नेट वही जाल है, जैसे आपके पास कोई इस प्रकार का जाल है, ऐसा जाल तो आपने देखा होगा, वॉलीबॉल खेलते हैं अपन तो जंडो नेट लगाते हैं, क्लियर, या बैडमिंटन खेलते हैं तो हम नेट लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो नेट है उसका जो एक पार्ट है ये इसका मेस कहलाता है, ये बंद जाल है इसका, यहाँ पर हमने लिखा है बंद जाल। तो किसी बहुत बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम उसको बंद जाल कहते हैं। इसी के बेस पर इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग की जाती है, घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं या कहीं भी सर्किट जो बनाते हैं अपन, किसी डिवाइस को बनाने के लिए सर्किट बनाते हैं उसके ये छोटे छोटे पार्ट्स है। तो इसके लिए किरचॉफ ने जो नियम दिया उसको हम देखते हैं। तो नियम समझने से पहले हम इसके लिए एक सर्किट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा हूँ, उस सर्किट को आप ध्यान समझना और उसके बाद फिर मैं उसके नियम का कथन बताऊँगा, ठीक है। तो सर्किट इस तरह से देखिए, ये एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, ये दूसरा प्रतिरोध, रजिस्टर माने प्रतिरोध, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाया है और यहाँ पर एक तीसरा प्रतिरोध लगाया है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई बैटरी नहीं लगाया है। ये एक सर्किट है, सर्किट में ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 है, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E2 है, यहाँ से R1 से धारा प्रवाहित हो रही है सपोज I1, यहाँ से सपोज धारा प्रवाहित हो रही है I2, ये दोनों धारा बहते हुए इधर आएंगे, ये धारा भी बहते हुए इधर, और दोनों मिलके इसमें से प्रवाहित होंगे, इसमें से R3 में, तो दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएगा I1 + I2, ये हो जाएगा, क्लियर। अब इस सर्किट का हम नाम दे देते हैं, यहाँ से सपोज लिख लिया हमने A B C D E और F। यहाँ पर आपको वो दो बंद जाल दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक है A B C D A, एक नेटवर्क ए है और दूसरा छोटा नेटवर्क नीचे में है C D E F C, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम हमारा जो नेटवर्क है A B C D A बंद जाल A B C D A में, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी आप बंद जाल लिखोगे तो पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट सेम होना चाहिए। कई स्टूडेंट या इवन कई बुक्स के राइटर, मैंने कई बुक में ये देखा है कि कई राइटर भी बुक में बंद जाल ABCD लिख देते हैं, वो रॉन्ग है। कैसे, देखिए ABCD ये नेटवर्क क्लोज कहाँ हुआ, ये तो ओपन हो गया, आप बोल रहे हैं ABCD, आपको बोलना पड़ेगा पूरा कंप्लीट ऐसा, ये आप ध्यान रखें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिजिक्स में इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ हर छोटी बात को आपको ध्यान देना है। तो बंद जाल ABCDA में यहाँ पर हम देखते हैं कि किरचॉफ ने जो बताया, अभी मैं आपको इसका कथन नहीं बता रहा हूँ, मैं कथन आपको ऐसे याद करा दूंगा सर्किट की सहायता से। कभी भी मेरा टेक्निक ये है कि मैं चीज़ों को रटने के लिए मना करता हूँ, चीज़ों को आप समझो और अपने लैंग्वेज में आप लिख लो। तो कथन में बाद में बताऊंगा, पहले इसके मैथमेटिकल फॉर्म को बता रहा हूँ। तो बंद जाल ABCD में देखिए, ये प्रतिरोध R1 है और इससे बहने वाली धारा क्या है I1, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ I1 R1, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर मैं ऋण लगा रहा हूँ जिसको हम बीजगणित योग कहेंगे, बाद में मैं उसको चिन्ह प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा। ये है प्रतिरोध R2 और उसमें बहने वाली धारा क्या है I2, तो इन दोनों का भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया I2 R2। इसके बाद आप देखो इसमें एक बैटरी लगा हुआ है ये E1 और एक बैटरी इसमें लगा है E2, यहाँ पर मैंने लिख दिया E1 - E2। अब इस रिलेशन को मैं शब्दों में किस प्रकार कहूँगा आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो मैं माइनस किया हूँ उसको बोलूँगा बीजगणितीय योग, क्योंकि ऋण भी बीजगणितीय योग है। लेकिन आप सोचोगे कि सर आप योग बोल के माइनस क्यों लिखे हो, वो चिन्ह परिपाटी से है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप इस संबंध को ध्यान से सुनो। अब मैं इसको क्या कहूँगा, देखो
विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, संगत माने उसके साथ का, इस धारा का संगत प्रतिरोध ये है और इस धारा का संगत प्रतिरोध ये है। क्लियर? तो विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, ये दोनों का क्या हुआ है? गुणा हुआ है। और इन दोनों का भी गुणा हुआ है, संगत प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग। यहां माइनस ध्यान नहीं देना, योग है माइनस परिपाटी से, बाद में बताऊंगा उसको मैं, इसको योग ही बोलोगे आप, का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे, ये परिपथ में लगे दो सेल E1 और E2, उस परिपथ में लगे दो सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर? अब एक बार और ध्यान से इसको मैं फ्लो में बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आपको कथन रटने का क्या जरूरत है? आपको सर्किट आपके ब्रेन में होना चाहिए, ये रिलेशन आपके ब्रेन में होना चाहिए। अब यहाँ पर आप कथन जो लिखा हो, मैं शुरुआत में नोट्स में आप सबसे पहले कथन को यहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिख लोगे, उसके बाद इसकी परिपाटी लिखोगे आप, चिन्ह की परिपाटी, कि भाई वहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिखा है, बोल तो योग रहा हूँ लेकिन माइनस क्यों लिखा हूँ। तो जैसे प्रथम नियम में हमने परिपाटी पढ़ा, वैसे द्वितीय नियम में क्या परिपाटी पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखिए इस सर्किट पर। यह परिपाटी समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे आगे ना, इसे आप ध्यान से सुनो। जैसा यहाँ पर माइनस आया है, तो माइनस क्यों आया, इसके सामने प्लस है तो यहाँ हमने प्लस क्यों लिखा है। तो इसके लिए परिपाटी क्या बताया किरचॉफ ने, आप इस बंद जाल में चलो, आप चलो, एक याद करने का तरीका है कि मैं इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे उस जाल में, तो यदि धारा की दिशा, ये धारा है देखो, ये धारा है और आप इधर जा रहे हो, तो यदि आप, यदि धारा आपके चलने के विपरीत दिशा में मिले, मैं इधर जा रहा हूँ और धारा का दिशा इधर है, मेरी ओर है, तो उसको ऋणात्मक लेना है। इसीलिए हमने I2 के सामने क्या लिया है, ऋणात्मक लिया है। अब आगे आप बढ़िए इस तरह से, अब बढ़ के यहाँ जब पहुँचोगे तो देखो ये धारा की दिशा है और हम जा भी इधर ही रहे हैं, तो दोनों की दिशा समान है, तो हम उसके सामने क्या लेंगे, प्लस। प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ये समझाने के लिए लिखा था। क्लियर? तो मैंने धारा के लिए क्या परिपाटी बताया आपको, यदि धारा की दिशा हमारे चलने की दिशा के विपरीत हो तो उसे ऋणात्मक लेना है, और यदि हमारे चलने की दिशा में हो तो उसे हमको धनात्मक लेना है। क्लियर? उसी प्रकार से विद्युत वाहक बल का नियम क्या होगा, देखो उसी दिशा में फिर आप चलो जिसमें आप धारा के लिए चले थे, तो इधर हम चलने लगे ऐसा, तो ये जो बैटरी है, इस बैटरी में हम धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवेश कर रहे हैं। देखो पहले धन आया फिर ऋण आया, तो जिस बैटरी में हम धन से ऋण की ओर, धन को हम बोलते हैं उच्च विभव सिरा, हाई पोटेंशियल एंड, तो जब हम हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड में जाएंगे, मतलब उच्च विभव से निम्न में जाएंगे, वो याद रखने का तरीका है कि जब आप नीचे गिरोगे तो ऋणात्मक तो होगे, आप ऊपर उठोगे तो धनात्मक होगे, तो जब हम धन से ऋण की ओर जाएंगे तो उसे क्या लेना है, अपने को ऋणात्मक लेना है। क्लियर? और यदि आप क्या है, ऋण से किधर जाएंगे, धन की ओर जाएंगे, देखें आगे हम बढ़े तो ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, माने ऋण से धन हो रहे हैं, धन हो रहे हैं, तो उसके सामने क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे। एक बार दोनों चिन्ह परिपाटी को मैं एक साथ रिपीट करता हूं, अब ध्यान से सुनना, मैं एक बात स्टार्टिंग से लेके मिडिल में भी और बार बार एक बात समझा रहा हूं कि किरचॉफ्स लॉ को आप लाइटली मत लेना, यही सब कुछ है। आप एग्जाम के लिए रट्टा मार के काम चला लोगे तो एग्जाम में आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन आगे कहानी गड़बड़ है, इसलिए इसमें मैं बहुत आराम से बहुत पेशेंस के साथ आपको समझा रहा हूँ, आप उसको अच्छे समझिए। चलिए एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ चिन्ह परिपाटी को, विद्युत परिपथ के बंद जाल में यदि धारा की दिशा हमारे चलने के विपरीत हो तो उसे ऋणात्मक लेंगे, और हमारे चलने की दिशा में हो तो धनात्मक लेंगे। बैटरी में हम यदि
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब धन से ऋण की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे और ऋण से धन की ओर जाएंगे तो धनात्मक लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नेचुरली आप में से जितने स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे मालूम है, निश्चित रूप से आ रहा होगा। कुछ लोगों के दिमाग में तैयार होगा, क्या आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि सर आप इधर से तो चला दिए और आप जैसा लिखे उसके हिसाब से आप एक्सप्लेन कर दिए, यदि कोई इधर चलना चाहे तो क्या होगा। तो भैया करके देख लेते हैं उधर चलने से क्या होगा, कि सपोज हम इधर चलते हैं, तो यदि हम इधर चले, अब उसके लिए हम रूल अप्लाई करते हैं, तो जब मैं इधर चलना शुरू करूंगा तो ये धारा मेरे विपरीत दिशा में मिलेगा, और अभी मैंने बोला कि धारा विपरीत मेरे तो ऋणात्मक लेना है, तब तो इसको मेरे को माइनस लेना पड़ेगा। तो मैं लिख दिया चलो माइनस आई वन आर वन। अब आगे बढ़ते गया तो ये धारा मेरी दिशा में मिला तो उसको धन लेना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं प्लस आई टू आर टू इक्वल। फिर उसी रास्ते में फिर आप चलो, तो जब यहाँ पर आप जाओगे तो क्या है, धन से ऋण में जाओगे तो उसको ऋण लेना पड़ेगा, लिख दो माइनस ई वन। और जब यहाँ पर जाओगे तो ऋण से धन में जाओगे तो इसको धन लिखोगे तो प्लस क्या हो जाएगा, ई टू हो जाएगा। अब मेरे को बताओ ऊपर जो रिलेशन लिखा हूँ वो दोनों रिलेशन एक ही है कि अलग अलग है। नेचुरली आपको समझ में आ गया होगा दोनों एक ही है। कैसे एक है, यदि ये जो संबंध मिला है उसके दोनों तरफ यदि मैं ऋण चिन्ह का गुणा कर दूं, क्या कर दूं, ऋण का गुणा कर दूं, यह एक समीकरण है, इसके दोनों ओर मैं ऋण का गुणा कर सकता हूं, तो इसमें ऋण का गुणा करूंगा तो ऋण क्या हो जाएगा, धन आई वन आर वन, इसमें ऋण का गुणा होगा तो माइनस आई टू आर टू। अब बाएं पक्ष में किया तो दाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा, यहाँ करूँगा ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा, ये रिलेशन मिल जाएगा आपको। मतलब यहाँ पर मैं दोनों तरीके से आपको इसलिए बताया कि कई स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा कन्फ्यूज़न आ सकता है कि सर हम यदि अपने चलने की दिशा को बदल दें तब तो सब गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। परिपाटी यदि बनाया गया है तो बहुत रिसर्च के बाद सोच समझ के बनाया गया है, परिपाटी हर जगह 100% परफेक्ट अप्लाई होगा, क्लियर। तो आप बिल्कुल बेहिचक जहाँ से चाहो, ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के सर्किट के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में भी और आईआईटी जेई नीट जैसे स्टैंडर्ड एग्जाम में भी पूछे ही जाते हैं 100% मान के चलिए। आप पुराना अनुसार पेपर उठा के देखिए, आपको मैं भी न्यूमेरिकल्स जब कराऊंगा तो इसके बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा मैं, क्लियर। तो यहाँ पर ये आपको लिखना है, ये दोनों में समझाने के लिखा था, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब हमारे नीचे एक और बंद जाल है, यहाँ पर एक और बंद जाल है, ये सी डी ई एफ सी, तो उसमें भी अपन लिखते हैं चलिए बंद जाल सी डी ई एफ सी में, इस बंद जाल में। अब इस बंद जाल में आपको जिधर से चलना है आप चलो, चलो मैं सी बिंदु से चलना शुरू करता हूँ इधर, तो इधर मैं जाऊँगा तो ये धारा और प्रतिरोध, धारा की दिशा मेरी दिशा में है तो प्लस लेंगे अपन, ये हो गया आई टू आर टू। अब ऐसा करके यहाँ आएंगे तो इस धारा की दिशा भी हमारी ओर है जो कि आई वन प्लस आई टू है, तो प्लस लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, आई वन प्लस आई टू एक साथ लिखेंगे और इन टू इसके प्रतिरोध का मान कितना है आर थ्री, तो संगत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, और तो है नहीं इसमें, और राइट साइड में विद्युत वाहक बल लिखेंगे। तो आप देखिए पूरे सर्किट में तो एक ही बैटरी लगा है, इस सर्किट में दो बैटरी लगा था, इस सर्किट में नीचे के सर्किट में तो बैटरी एक ही है E2 है, तो राइट साइड में क्या लिख देंगे अपन E2। इस प्रकार से बंद जाल में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हुआ किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम को आप बहुत अच्छे से समझिए और इसके बाद मैं आपको तुरंत पढ़ाता हूँ इस पर बेस्ड एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जो इसी पर आधारित है। जितने भी स्टूडेंट्स इस रूल को अच्छे से समझ गए दोनों रूल को, उसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन का सिद्धांत। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने किरचॉफ के नियम को लेके एक ब्रिज बनाया। ब्रिज मतलब सेतु पुल, जैसे अपन नदी में सेतु बनाते हैं ना पुल, वैसा ही सेतु क्यों कहा मैं आपको अभी पढ़ाते हुए समझाऊंगा।
मैं हेडिंग इसका इंग्लिश में ही डाल देता हूँ, ठीक है, हिट स्टोन ब्रिज। साइंटिस्ट का नाम है व्हीट स्टोन और ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, देखिए सबसे पहले मैं इसके हम कथन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं कथन पर बाद में बात करता हूँ, मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं किसी भी साइंटिस्ट के रूल पर वो क्या कहा ये बाद में बात करता हूँ, पहले समझाता हूँ उसका मैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले सर्किट बता दूँ, तो सर्किट के बेस पर आपको कथन अपने याद हो जाएगा। एक तरीका ऐसा भी हो सकता था कि मैं कथन को बार बार आपको बताऊँ, आपके दिमाग में कोई सर्किट नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कभी भी फिजिक्स को आप इसी में पढ़िए, फर्स्ट इमेज, पहले आपके दिमाग में चित्र, देन एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेनेशन पहले रट लोगे, फिगर बाद में बनाओगे, आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। तो पहले हम इसका सर्किट बनाते हैं, फिर हम कथन में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका सर्किट बनाने के लिए देखिए, हम यहाँ पर इस तरह से एक चार प्रतिरोधों को एडजस्टमेंट करने के लिए चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध एडजस्ट किया, इसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध, फिर ये तीसरा प्रतिरोध और ये चार प्रतिरोध। इस तरह से हमने यहाँ पर ये चार प्रतिरोध लगाया हुआ है, इसका नाम हम दे दिए P, ये Q और ये R और ये S साइक्लिक ऑर्डर में। इसके बाद इसका नाम दे दिया हमने चतुर्भुज का A B C D, जिसमें एक विकर्ण है B C, इसका विकर्ण है। तो B C विकर्ण में क्या किया, एक दाब कुंजी लगा दिया, मतलब की लगा दिया यहाँ पर ये, और इसके साथ में लगा दिया एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर ये, और ये इसके साथ में जोड़ दिया। इसके बाद दूसरा विकर्ण है क्या, ए सी, तो बीच में कंजेस्टेड हो जाएगा करके हम ये वायर को यहाँ से ले लिए और यहाँ पर हम लगा दिए इसके साथ में एक की और इसके साथ में एक बैटरी, इस तरह से ये लगा दिया, ये है हमारा बैटरी, इसको विद्युत वाहक बल ई से प्रदर्शित कर दिए। ये हो गया सर्किट। अब इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में व्हीट स्टोन ने क्या बताया, एक बार सर्किट मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यदि चार प्रतिरोधों, यदि चित्र को आप ध्यान से देखिए, यदि चार प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को, ठीक है, यदि चार प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को ये कैसा भी आप बना दोगे चलेगा, लेकिन थोड़ा तिरछा हो गया था ये। यदि चार प्रतिरोधों P, Q, R तथा S को किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, संलग्न मतलब लगे हुए, क्लियर। नाम में मैं यहाँ पर इसको आर इसको एस कह देता हूँ, थोड़ा उसे सुविधा होगी, वो गलत नहीं था लेकिन आपको याद करने में परेशानी होगी। एक बार ध्यान सुनिए, यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा उसके एक विकर्ण में धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल लगाया जाए और जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो रहा हो, जिसे हम सेतु के संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो तो दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों, मतलब P और Q, P अपान Q बराबर दो अन्य संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों, मतलब R और S, R अपान S के बराबर होता है। ये इसका गणितीय रूप है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसके मैं कथन के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर आप कथन को लिखोगे, इस बात को शब्दों में एक बार ध्यान से सुनिए और सर्किट को देखिए। मैं बोल रहा हूँ, आपका ध्यान सर्किट में होना चाहिए। यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा उसके एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण में सेल जोड़ा जाए और जब धारा मापी का विक्षेप शून्य हो,
अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात दो अन्य संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यदि आपको स्टेटमेंट मेरा पढ़ाते पढ़ाते याद नहीं हो, वैसे मैंने बहुत सफिशियंट टाइम लेके इसको बताया, बाय द वे नहीं हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप वीडियो को बार बार रिवर्स कर करके इस पोर्शन को कई बार सुनिए और कोशिश करिए कि आपका वीडियो देखते देखते क्या हो, यह पोर्शन तैयार हो जाए। आप उसको वीडियो को एंटरटेनमेंट टाइप करने मत देखिए कि फटाफट देख लिए और उसके बाद फुर्सत हो गया, ऐसा नहीं। यदि आपको स्टेटमेंट को इमीडिएट लर्न करना है, मेरे पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने ऑफलाइन क्लास में इसी तरह से पढ़ाता हूँ। सपोज अभी मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ाया तो मैं पूरे स्टूडेंट से वन बाय वन पूछ लेता हूँ कि चलो मेरे को अभी क्लास में इमीडिएट बताओ बिना घर में जाके प्रिपरेशन किए। तो ये ऑनलाइन क्लास है, आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को रिवर्स करके उस पोर्शन को बार बार देखिए और आप कोशिश करिए कि हाँ मेरे को लर्न हो गया, फिर आगे बढ़िए। पेंडिंग में छोड़ोगे तो फिर पूरा पेंडिंग हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज यहाँ से हम धारा प्रवाहित किए, ये हमने आई धारा प्रवाहित किया सपोज। अब इस आई धारा को हम जब इस जंक्शन में ले जाएंगे, ये एक संधि है क्योंकि तीन रास्ते हैं, तो यहाँ पर सपोज उस धारा का आई वन प्रवाहित होता है, मतलब आई वन धारा कहाँ से प्रवाहित हो रहा है, पी से। अब ये आई वन धारा जब बी पर पहुँचेगा, संधि बी पर, तो बी पर क्या होगा, इसका इस तरफ जो जाने वाला हिस्सा है उसका मान सपोज आई टू हो जाएगा और धारा मापी से जो बहने वाली धारा है इसको हमने कह दिया सपोज आई जी जी फॉर गैल्वेनोमीटर, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये I1 हो गया, I2 हो गया, अब इधर जो धारा प्रवाहित करेंगे अपन R से उसको सपोज हमने कर लिया I3। अब यहाँ से IG और I3 यहाँ पहुँचेंगे तो दोनों मिल के इधर प्रवाहित होंगे, उसको हमने क्या कर दिया I4। मतलब सर्किट में आप देखिए P में बहने वाली धारा I1 है, Q में बहने वाली धारा I2 है, G में बहने वाली धारा IG है, R में बहने वाली धारा I3 है और S में बहने वाली धारा IS है, I4 है, और सब के सब यहाँ पर फिर मिल के ये I होके ये रिटर्न वापस आ गए। तो ये पहले सर्किट है आपको, इसीलिए आप कभी भी, अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर चल रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सर्किट। यदि जितने स्टूडेंट सर्किट को अच्छे से समझ गए तो अभी इसको हम प्रूफ करेंगे उसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ माने इसका सिद्ध करना है कि कैसे सिद्ध करते हैं, तो इसका सिद्ध करने का आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसके सिद्ध करने के लिए हम इसमें दो बार किरचाफ का फर्स्ट लॉ लगाते हैं, मतलब संधि का नियम लगाते हैं, और दो बार किरचाफ का द्वितीय नियम मतलब बंद जाल का। तो कहाँ कहाँ लगाते हैं, देखिए एक संधि ये बी है और एक संधि ये डी है, इन्हीं दोनों संधि को ये सेतु के रूप में जोड़ रहा है गैल्वेनोमीटर, इसीलिए इसको सेतु बोलते हैं। व्हीटस्टोन ने अपने इस सिद्धांत को ब्रिज क्यों बोला, क्योंकि दो संधि को एक गैल्वेनोमीटर जोड़ के रखता है, जैसे नदी के दो पार्ट को एक ब्रिज जोड़ता है उसी प्रकार से इसको। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बोर्ड एग्जाम में मैंने देखा है कि व्हीटस्टोन ने अपने सिद्धांत को सेतु क्यों कहा, एक नंबर का क्वेश्चन। आप एक्सप्लेन कर दोगे कि चूंकि व्हीटस्टोन के सिद्धांत में दो संधियों को जोड़ने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है, इसको हम सेतु कहते हैं, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले लगाते हैं संधि बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम। यहां पर अपन लिख देंगे संधि बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम, ये हमने लगा दिया किरचॉफ का प्रथम नियम संधि बी पर। तो बी जंक्शन पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर इधर बहने वाली धारा है आई वन और ये इधर बहने वाली धारा आई टू है। तो प्रथम नियम उसने क्या बताया था किरचॉफ ने, कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आप संधि को देखो, संधि की ओर जाने वाली धारा आई वन है और बाहर जाने वाले दो धारा है आई टू और आई जी, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आई वन संधि की ओर बराबर आई टू प्लस आई जी संधि से बाहर। देखो कितना आसानी से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, संधि की ओर बराबर संधि से बाहर। आप चित्र में देखो संधि की ओर आई वन है, संधि के बाहर ये दोनों हैं, क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चूंकि हमको पता है कि क्या है, सेतु संतुलन की स्थिति में हो। व्हीटस्टोन ने क्या बताया था
कि सेतु संतुलन में हो मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित न हो, दैट मीन्स आई जी का मान शून्य हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं आई वन इक्वल टू आई टू रिलेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देंगे चूंकि क्या है आई जी हमारे पास जीरो है। क्लियर यहां तक? अब यही काम हम करते हैं किस पर, संधि डी पर मैं केवल प्रथम लिख देता हूं ना, पूरा नाम लिखेगा संधि डी पर प्रथम नियम से, यहां पर भी हम प्रथम नियम लगाते हैं, तो संधि डी में आप देखो आई थ्री संधि की ओर और ऊपर से आई जी, ये IG है जो नीचे आ रहा है, तो संधि की ओर दो हैं आई थ्री और IG, और संधि से बाहर कौन है आई फोर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई थ्री प्लस आई जी इक्वल आई फोर प्लस आई फोर अकेला है, ये हो गया। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर हम इसको फिर जीरो ले लेंगे तो हो जाएगा आई थ्री इक्वल टू आई फोर, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो हो चुका है। ये हो गया रिलेशन नंबर टू। तो दो बार हमने निकाल लिया, लगा लिया संधि का नियम, मतलब प्रथम नियम। अब मैं आपको क्या बताया कि दो बार हमको इसके द्वितीय नियम को भी लगाना है, और द्वितीय नियम कहाँ लगता है, बंद जाल में लगता है, क्लोज मेस में लगता है। तो बंद जाल क्या है अपने पास, देखो ए बी डी ए, ए बी डी ए एक बंद जाल ये है, दूसरा बी सी डी बी। तो एक बार बाएं तरफ के बंद जाल में प्रथम द्वितीय नियम और दाएं तरफ के बंद जाल में द्वितीय नियम लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं क्या, बंद जाल ए बी डी ए, ए बी डी ए में द्वितीय नियम से, किरचाप के द्वितीय नियम से। तो किरचाप का द्वितीय नियम क्या कहता है, अब इधर से आप चलना शुरू करो और प्रतिरोध का गुणनफल, तो धारा क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है P, तो I1 इंटू P हो जाएगा। अब यहाँ चले आए, इधर से नीचे आएंगे तो IG इंटू G, क्योंकि G इसका प्रतिरोध है, और हम क्या है धारा की दिशा में चल रहे, इधर भी धारा की दिशा, इधर भी धारा की दिशा, चलने को आप ध्यान देना। देखो किरचाप का द्वितीय नियम का साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी अप्लाई हो रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा आई जी इंटू जी। अब आप यहाँ चले आए, अब यहाँ से जब इधर जाओगे तो ये धारा विपरीत मिलेगा, इसकी दिशा इधर है तो विपरीत मिलेगा, तो क्या लिख देंगे माइनस, उसका मान है आई थ्री और प्रतिरोध है क्या आर, और आप देखो इस पूरे परिपथ में कहीं कोई बैटरी नहीं लगा है, तो जब बैटरी लगा ही नहीं है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। That implies, अब यहाँ पर आप देखो ये IG को जीरो करेंगे क्योंकि IG हमको हर जगह जीरो करना है, क्योंकि हमारा सेतु संतुलन में है, तो ये जीरो होने से पूरा जीरो हो जाएगा। ये हो गया आई वन पी, और इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा आई थ्री इंटू आर रिलेशन नंबर थ्री, ये हो गया। तो अब हम बंद जाल में इसमें लगा लिए किसका द्वितीय नियम, अब लगाएंगे बी सी डी बी, बी सी डी बी में इसमें भी कौन सा नियम द्वितीय नियम, इसमें भी हम क्या लगाते हैं द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से। देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए मैं लगाते जा रहा हूँ I2 इंटू क्यू और प्लस रहेगा क्योंकि हम उसी दिशा में जा रहे हैं, यहाँ चले आए इधर, अब हम इस धारा के विपरीत हो रहे हैं तो माइनस आई फोर एस, माइनस आई फोर एस, अब ऊपर चढ़ेंगे तो इसका भी विपरीत हो गया, हम ऊपर जा रहे हैं धारा नीचे, तो माइनस क्या आई जी इंटू जी इक्वल जीरो हो गया। दैट इम्प्लाइज अब देखिए इसको हम जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा आई टू क्यू इक्वल, इसको उधर ट्रांसफर कर दिए तो हो गया आई फोर इंटू एस, ये हो गया रिलेशन नंबर फोर। अब हम क्या करेंगे रिलेशन थर्ड में रिलेशन फोर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तीन में चार का भाग देने पर, तो तीन का बायां पक्ष क्या है आई वन पी, ये है आई वन पी, और इसका बायां पक्ष ये है क्या आई टू क्यू इक्वल, इसका दायां पक्ष क्या है आई थ्री इंटू आर, ये हो जाएगा आई थ्री इंटू आर, और इसका दायां पक्ष क्या है आई फोर इंटू एस। दैट इम्प्लाइज अब आप रिलेशन फर्स्ट को देखो, रिलेशन फर्स्ट आपका क्या कहता है आई वन आई टू के बराबर है, कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं,
तो दोनों कट जाएंगे एक से। और समीकरण दो क्या कहता है आपका, आई थ्री आई फोर के बराबर आप बता चुके हो, तो ये जो आई थ्री आई फोर के बराबर है ये भी आपस में कट जाएंगे, तो हो जाएगा पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देना कहाँ से आपने लिखा है, एक तथा दो से, क्योंकि चेक करने वाले पता रहना चाहिए कि किस समीकरण का आपने यूज़ किया है, एक तथा दो से। ये हो गया प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया जो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे। तो ये व्हीट स्टोन का ब्रिज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन था, आज का जो वीडियो था, बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, धारा विद्युत के लिए, जिसमें मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया, किरचॉफ का नियम पढ़ाया बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट के साथ, और व्हीट स्टोन ब्रिज दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक मीटर ब्रिज कहलाता है और दूसरा विभव मापी पोटेंशियोमीटर कहलाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर बेस्ड है। ओके, थैंक यू।